हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए मेडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे वंडर वुमन के सेकंड पार्ट के रिलेटिव एक अपडेट के बारे में, जो कि एक बैड न्यूज है, जो कि डीसी के वंडर वुमन के फैंस हैं उनके लिए ये काफी खराब न्यूज है। अगर आप मेरे सोशल मीडिया लिंक से कनेक्टेड हो तो आपको ये बात पहले ही पता चल चुकी होगी कि वंडर वुमन का जो सेकंड पार्ट था वो रिलीज हो रहा था 2019 में 1 नवंबर को, बट अब उसकी रिलीजिंग डेट को थोड़ा डिले कर दिया है और इस मूवी को आगे पुशबैक कर दिया है। जी हाँ, अब इस मूवी की रिलीजिंग डेट हो गई है 5 जून 2020 को, यानी कि अब हमें और 6 महीने वेट करना पड़ेगा इस मूवी के लिए। यानी कि पहले तो एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ यार, हमें अगले साल वंडर वुमन दिखने वाली है, अब इस महीने को 6 महीने और कर दिया गया है तो ये बहुत गलत बात है। और देन डीसी फैंस के लिए तो ये बहुत ही बुरी बात है और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फाइनली उन्हें 1 साल का वेट करना था बट अब उन्हें 2 साल का वेट करना पड़ेगा और उसमें भी 6 महीने का, तो ये चीज़ बहुत गलत हो गई और देन काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आया। फिर भी इस मूवी की जो रिलीजिंग डेट है वो 5 जून 2020 को कर दिया है, और आपको ये डेट सही लग रही है या नहीं अब तो ये तो फैंस ही बताएंगे। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक करें, और गाइस आपको रियल में ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो इस वीडियो को नहीं देखा या तो उसको बंडर को मेरे हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।